अन्याय है। उस बूढ़े इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया आपने। इससे तो अच्छा होता आप उसकी जान ले लेते, मार देते उसे जान से। सर, आप इंसान हो या पत्थर? आपके अंदर कोई फीलिंग्स है या नहीं? उसे बचा कर आ रहा हूँ। वो लोग मार देते उस लड़की को, और बुढ़े को 50 लाख भी तो दिए ना। मैंने जो किया है उसके पीछे खास वजह मूर्ति। वाह वाह, आपके हर गलत काम के पीछे कोई न कोई सही वजह होती है, लेकिन इससे आप सही नहीं हो जाते। आप बहुत गलत काम कर रहे हैं सर। एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुंडे के लिए काम कर रहे हैं। वाल्टर वासु जैसे क्रिमिनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सालों से उसे देखता आ रहा हूँ मैं। वो बहुत बुरा इंसान है सर। बुरा इंसान है? सालों से देख रहे हो? तुम जानते हो कि वो इंसान क्रिमिनल है, फिर भी 25 साल से यहाँ राज कर रहा है ना वो। अब तक मारा क्यों नहीं उसे? ये लो मेरी गन, लो जाओ उसे शूट कर दो। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे। अगर ये सब कर सकते हो तो जरूर करो, लेकिन नहीं कर सकते तो अपना ये मुंह बंद रखो। ये जोश मत दिखाओ। या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। तुम जैसे लोग जो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना अपने देश के काम आते हैं, ना अपने परिवार के और ना ही अपने आप के। न्याय, ईमानदारी, देशभक्ति, ये बेमतलब की बातें मुझे मत सुनाओ। बैग में 500 के नोट कितने और 1000 के नोट कितने, ये गिनना सीखो। ये बेईमानी के पैसे हैं, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देख, ये तुम्हारा नोट है और ये मेरा नोट है। ये ईमानदारी का है और ये बेईमानी का है। अब मैं इन दोनों को मिलाता। बताओ बताओ बताओ, इनमें से तुम्हारा कौन सा और मेरा कौन सा, बताओ मुझे। ईमानदारी इंसान के अंदर होती है, इस नोट के अंदर नहीं। इन पैसों को गाली देना बंद करो। देश में होने वाले हर अन्याय का पहला गवाह होता है ये नोट। हर एक नोट पर देखो, एक महापुरुष की फोटो छपी है ना, पर ये फोटो इनके खिलाफ गवाही नहीं देगी। ये लो, रखो इसे, रखो, और बैग अपने साथ घर ले जाओ। नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, तो खुद को मेरा बैंक समझो और ये रुपए तुम्हारे पास जमा रखो। रुकिए, अच्छा हो अगर इसी वक्त एक सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहा कर ले जाएं, उसमें डूब कर आप मर जाएं। चलो चलो, बुलाओ। कौन सी सुनामी बुलाना चाहते हो? बुलाओ बुलाओ, करो प्रार्थना अपने भगवान से। मैं पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हूँ। सुनामी से कहना मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं तैयार हूँ डूबने को, लेकिन वो मेरे लिए अलग से नहीं आएगी। और जब वो आएगी तो वो वासु, बूढ़े अंकल, उसकी पोती, बाकी सबको बहा कर ले जाएगी। मेरी और तुम्हारी तरह उसकी सोच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर है। सबको डुबा कर मार कर बहा कर ले जाना है। सुनामी लाएगा सुनामी। चलो मैं बैठ जाता हूँ, बुलाओ उसे। कहाँ है? इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी का रेप या मर्डर हुआ। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? पापा, आज लास्ट डेट है। अगर मैंने फीस नहीं भरी तो वो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। कॉलेज से मुझे निकाल दिया जाएगा। पापा, जरूरत पड़े तो बेहिचक उस बैग से पैसे निकाल लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कितनी फीस भरनी है बेटा? 40,000। तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई भूल जाओ, नाम कटवा दो कॉलेज से, आज से पढ़ाई बंद। सिर्फ हमें छोड़कर बाकी पुलिस वाले कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम ऐसे बाप की पैदाइश हो जो तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। तुम जैसे लोग जो कोई फैसला नहीं कर सकते, ना अपने देश के काम आते हैं, ना अपने परिवार के और ना ही अपने आप के। थैंक यू। बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? कोई इस तरह पूछता है क्या? तुम खुद ही कोई सरप्राइज दे दो। सरप्राइज दे दूं? अगर तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आई तो उसका मैं क्या करूंगा? देखो, लड़कियों की पसंद ना पसंद मेरी समझ में नहीं आती। मोबाइल्स, टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यहाँ पे स्मगलिंग गुड्स का मार्केट है। जो कहोगी ले आऊंगा। जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी, लेकिन आज मुझे घुमाने के लिए प्लीज तुम इस पुलिस जीप में मत ले जाना। प्लीज, अगर गर्लफ्रेंड को पिकनिक या मूवी के लिए ले जाना हो तो उसे बाइक पर ले जाते हैं, ये कॉमन सेंस है। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब मैं क्या करूं? बस 2 मिनट का टाइम दो, कुछ करता हूं। ए, रुक रुक, तेरी तो रुक 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 रुक। पुलिस, मेरे पास सभी पेपर्स हैं। अरे पेपर्स किसको चाहिए, मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। उतरो उतरो उतरो, उतरो। किसी मुजरिम का पीछा करना है? नहीं नहीं, पिक्चर दिखानी है। चलो उतरो, मुजरिम का पीछा करवा। ए, रात को पुलिस स्टेशन आकर गाड़ी ले जाना। मेरे वाली को कैसे? मेरी गाड़ी खड़ी है, पुलिस जीप है, शाइनिंग मार ले जा। आओ बैठो, बैठ जाइए मैडम। प्यार से चलाना और टैंक फुल करवा के लाना। टैंक फुल करूं? हाँ, फुल 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 जाइए। पागल हो गया है। तुम्हारे
डिपार्टमेंट में भी तो कुत्ते होते हैं। हाँ? लेकिन वो बहुत ट्रेन्ड और इंटेलिजेंट होते हैं ना। हमने कई बार वो कुत्ते मांगे लेकिन उन्होंने नहीं दिए। हमें वो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए चाहिए, तुम अरेंज कर सकते हो? आजकल एक इंसान दूसरे की भी इतनी परवाह नहीं करता। कुत्तों की जरूरतों के लिए तुमने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की कि बात दिल को छू गई। तुम्हें प्यार करना मतलब कुत्तों से भी प्यार करना। चलो ये भी कर लेंगे। फ्राइड खाओगी या ग्रिल? क्या मतलब? मछलियाँ खाती हो या नहीं? मुझे मछलियों को मारना पसंद नहीं। चिकन? नो। मटन? नहीं। तो फिर खाती क्या हो? वेजिटेबल सूप, दाल राइस, वाह, आलू के पराठे, पालक पनीर और गाजर का हलवा। अरे वाह, तो अंडा भी नहीं खाओगी? बिल्कुल नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं तो खाऊं ना? नो। मछलियाँ वैसे भी मर चुकी हैं, इन्हें पानी में फेंकेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। तुम रुको यार, अरे कौन सी मछलियाँ हैं? बहुत सारी हैं साहब। नाम तो बताओ। चलो मैं खुद ही चेक करता हूँ। ये वाली कौन सी है साहब? ये पापड़ है। उसका क्या नाम है वो वाली? वो सुरमई है। नहीं नहीं, ये ठीक लग रही है, इसे पैक कर दो। जी सर। दो जल्दी। सुन, तू बीच में मत पड़, बीच में मत पड़, रुक जा, पकड़ो उसे। अबे ये किसको उठा रहा है तू? किसको पकड़ लिया? सॉरी ब्रदर, सॉरी, मिस्टेक हो गई इन लोग से। अरे ऐसे कैसे मिस्टेक हो गई? अरे ये लोग खबा का इसे उठा रहा है, मैंने तो इन लोगों को किसी और को उठाने के लिए कहा था। भैया उस बाइक पे यही लड़की बैठी थी। बाइक पे बैठी थी? किसी भी बाइक में बैठी कोई भी लड़की उठाएगा तू? माफ कर, आ जाए। सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर। किसने हाथ लगाया इसे? सॉरी 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 सॉरी। कितनी चोट लगी है इसे? सॉरी सॉरी। ये मेरी लाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है। दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना। बच्चू बच्चू, सॉरी सॉरी, जल्दी कर, चल चल चलो ऐसे। सॉरी ब्रदर, सॉरी सॉरी। हां गलती हो, अब नहीं होगा। सॉरी, हां नहीं होगा, बोल रहा हूं। बाद में आके मिल मुझसे, मिलना। देखो बिल्कुल फिक्र मत करो, घर वालों से कह दो कि तुम बाइक से गिर गई थी, सब ठीक हो जाएगा। जाओ घर जाओ। तुम कब आई? क्या हुआ? मुझे रात भर नींद नहीं आई। जो भी हुआ गलती से हुआ, वो सब भूल जाओ। वो मुझे कोई और लड़की समझकर मारना चाहते थे। अगर वाकई मुझे मार देते तो बताओ तुम पर क्या बीतती? मेरी माँ, मेरी दादी, सबकी जिंदगी बिखर जाती। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। कल अगर उन लोगों ने उस लड़की को ढूंढ लिया तो वो उसे मार डालेंगे ना। उसकी भी तो एक जिंदगी है, उसकी भी तो फैमिली होगी। किसी को भी ऐसे मारना गलत बात है। रात भर मैं जागकर सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोचती रही, रात भर रोती रही। मैं नहीं जानती वो लड़की कौन है दया, लेकिन उसे जिंदा रहने का हक है। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम्हें उसे बचाना चाहिए। तुम्हारा उसे जिंदा रखना यही
मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। सांदी, वो वासु मेरा दोस्त है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस लड़की को बचाना है मैं उसे जानता तक नहीं। कहाँ मिलेगी वो लड़की? कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो गेस्ट हाउस में बुलाया था। ये गन अपने पास ही रखो, अगर कोई तुम्हारे नजदीक आया तो शूट कर। ए, ए, उसे गन काय को दे रहा है? इसी लड़की के चक्कर में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा लिया था। इस लड़की को जाने दो। क्या? इस लड़की को छोड़ दो वासु। क्या ये भी तेरी गर्लफ्रेंड है? इसे कुछ हुआ तो मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर इसे छोड़ा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़ो, देख के रहो।